अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बकर में गुलशन मदीना पार्क के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई और इनको शायद आप जानते होंगे, बल्कि आप जानते हैं भाई काशान खोकर, सोशल मीडिया यूजर, बहुत बड़े माशाल्लाह व्लॉगर हैं और की बड़ी अच्छी वीडियोस और मिलियंस में वीडियोस चल रही हैं आजकल। तो ये हमारे साथ हैं, इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया है, अल्लाह इनको खुश रखे। काशान भाई कैसे हैं आप? सुनाए सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह खुश रखे जनाब, आपको आपकी मोहब्बत है। और अच्छा, आज हम आपसे पूछेंगे कि इस हवाले से फेसबुक के आजकल लोग बड़े पेज बना रहे हैं और वर्क करना चाहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। पहले ये बताएं कि फेसबुक पर करना चाहिए यूट्यूब पे करना चाहिए वर्क? सर, अगर आप सराइकी कंटेंट क्रिएटर हैं या नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसके लिए सजेशन ये है कि फेसबुक सही है। यूट्यूब जो है वो काफ़ी जो है हार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यूट्यूब ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि क्रिएटर जो है बहुत ज्यादा है, कंटेंट क्रिएटर, लेकिन यूट्यूब कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा आ चुका है। सही है, तो फेसबुक बेस्ट है इस हवाले से। सही है। अच्छा, फेसबुक पे आपको कितना अर्सा वर्क करते हो चुके हैं और ज्यादा कितनी वीडियोज आपकी जा चुकी है? ज्यादा जो मुझे जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैं पहले न्यूज रिपोर्टर और न्यूज एंकर रह चुका हूँ 3-4 साल चैनल्स पे इस्लामाबाद। वाली भाई, फेसबुक पे तो मुझे 6 महीने हो चुके मेरे अपने पेज पे। सही है इस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप जो है बहुत ज्यादा है इनका। मोनेटाइज है फेसबुक जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम आ रही है जी। चलो वो आपके बाद में पूछते हैं, इनका कितनी आ रही है, कितनी स्ट्रगल करने की जरूरत है उसमें? सर, मैंने तो चूंकि एक्सपीरियंस था तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं तो पहले दिन से ही अच्छी व्यूअरशिप आई है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो लगाई थी उसमें 1.5 लाख व्यूज थे। सही है। तो उसके बाद जो वीडियोस लगाई हैं तो मंथ में या 2 मंथ में वीडियोस जो है, मतलब 1 वीक बाद या 2 वीक बाद 5-6 वीडियो मिलियन को टच कर जाती हैं, लाखों में भी आए हैं व्यूज। अच्छा, हजारों में भी आए हैं और कभी कभी 200-300 भी आए हैं। ये अक्सर वीडियो अगर अच्छी हो तो अच्छे व्यूवरशिप आती है, वीडियो अच्छी ना हो तो नहीं आती। हाँ, ये भी देखा जाता है ना अक्सर कि यार 200-300 व्यूज आ रहे हैं। वैसे ये भी मतलब आपसे सवाल है कि ये 200-300 व्यूज आ रहे हैं यार छोड़ दें फेसबुक, मतलब हो जाता है, परेशान हो जाता है, छोड़ने का दिल करता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर, अगर मैंने नहीं छोड़ा ना, मेरे जैसा बंदा जो इस्लामाबाद में वर्क कर रहा हो और अचानक से जॉब छूट जाए और सारा कुछ चैनल चेंज है और बिल्कुल जीरो पे आ जाए और फिर मैं अगर ऊपर आ सकता हूँ तो कोई भी आ सकता है। शर्त यह है कि आप मेहनत करें और वीडियो ना छोड़ें, दिन में 1 वीडियो लाजमी है, चाहे जो कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ देना है, मतलब लोगों को कोई ना कोई पोएट्री वाली वीडियो लगा दे, कुछ भी लगा दे, चैनल पे 1 वीडियो लाजमी है। वीडियो जरूर है या फिर कोई पोस्ट कर दें या फिर तस्वीर लगा दें या किसी की वीडियो जरूर, वीडियो मस्ट है फेसबुक के लिए ना, उससे रील लगा दें, एक आप एक कोई भी एक कोई अच्छी बात कह दें, लेकिन वीडियो लाजमी है। अच्छा चलो, अब ये बताइएगा कि पैसे जैसे आ रहे हैं ये यार, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, सवाल होते हैं पर्सनल है, लेकिन उसका इशारा देना पड़ता है हर किसी को, उसकी वजह क्या होती है? पहली बात पर्सनल वजह क्या होती है? वजह यार ये बताने की नहीं है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। पहले मैं ऐसे रहता था और अब गाड़ी पे, और ये अखराजात बड़े मुश्किल होते हैं, अगर कुछ ना होता तो ये चीजें ना होती। ये चीजें तब आती हैं जब पैसा आता है ना, तो सामने पता चलता है, इंसान को देख के पता चलता है कि इसके पास पैसा आ रहा है। सही है, सही। मैं वर्क कर रहा हूँ, आपने मेरा वर्क शायद थोड़ा बहुत देखा होगा, कुछ कह दें मेरे बारे में, कुछ कह दें वीडियोस के बारे में, 20-40 वीडियो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको भी सलाह जरूर देगा इंशाल्लाह, आपकी मेहनत बहुत अच्छी, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी। अपने फॉलोअर को भी कुछ कह दें, मेरे जो फॉलोअर हैं वो इधर आ जाए और इनके जो हैं वो मेरी तरफ आ जाए। ये ठीक कहा है आपने। चलो खुश रहे, अल्लाह तआला आपको मजीद इज्जत दे दीजिए, अल्लाह आपको खुश रहे कि आपने टाइम दिया है, जज़ाकअल्लाह। और यहाँ फैमिली पार्क के अंदर आए हुए हैं तो ये हम अब इस वक्त कोई फैमिली नहीं है इस वजह से आए हुए हैं, वरना ये फैमिली पार्क है ना, ऐसे नहीं कशान भाई, तो इसलिए आप भी यहाँ आए, इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन फैमिली के साथ आइएगा।